वन ऑफ द क्या बल्कि द फास्टेस्ट राइजिंग स्टार हेयर विद मी। उनकी अदाकारी को आप बहुत पसंद करते हैं, उनके ऑन स्क्रीन पर्सोना को आप बहुत पसंद करते हैं, मैं भी उनकी अदाकारी का भी फैन हूँ। जितने वो जबरदस्त हीरो लगते हैं, एक्शन भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, क्या बात है कमाल की। लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। वेरी वार्म, वेरी काइंड, वेरी ग्रेशियस एंड ऑलवेज वेरी लविंग। आई हैव विद मी हमजा सुहेल। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं? सर वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ओह ओह ये केमियो इंटरव्यू मुझे करना था, मगर क्योंकि ये साहब जल गए इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भी आप सज्जल का भी करें। नहीं नहीं आप बैठे, नहीं नहीं आप सज्जल का भी करें और आप हमजा का भी करें। मैंने कहा भाई आप हमजा का कर चुके हैं, आपने दो हिस्सों में चलाया था 1.5 घंटे का इंटरव्यू, तो आप एक नए पर्सपेक्टिव से हमजा के। आप घबराते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा हमजा घबराने वाले लगते नहीं। नहीं तो आपने ये इंटरव्यू बड़ा क्लोजली देखना है और जज करना है। मैं कर लूं इंटरव्यू अगर आपकी इजाजत हो तो। बट हाउ हैज लाइफ चेंज्ड, हाउ हैज द ट्रैक ऑफ योर प्रोफेशनल करियर चेंज्ड आफ्टर दैट इंटरव्यू? कुछ हुआ है, तब्दीली आई है सोच में किरदारों को लेके? नहीं सर, सोच पे तो नहीं तब्दीली आई, सोच रही है कि बस इधर यहाँ पे वो ब्लाइंडर्स लगा कर काम करते रहो, सोच अभी तक वही है और उम्मीद करता हूँ ऐसी रहे। आप दुआ भी कीजिएगा क्योंकि इट्स वर्किंग फॉर मी अभी तक। मैं आई एम एबल टू समहाउ स्टे अवे फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो शायद कह लें आप मेरी आर्टिस्टिक जर्नी को कहीं ना कहीं हॉल्ट करें या कुछ करें, तो मैं उनसे काफ़ी हद तक बचा हुआ। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट मैनर। मुझे नेगेटिविटी को दूर रखना आता है, मुझे वो चीज़ें पर वो एक नेचुरल प्रोसेस बन गया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने इंशाल्लाह चाहा तो इसी तरह चलते रहे। बट डाइवर्स कैरेक्टर सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो वी मेट आफ्टर फेरी टेल का पहला सीजन, उसके बाद फेरी टेल 2 आया, फिर बंस रोड की रोमियो जूलियट एंड नाउ जर्क पत्तों का बन, तीनों मुख्तलिफ नौयत के ड्रामे हैं और किरदार तीनों मुख्तलिफ हैं। तो ये एक जाहिर सी बात है कॉन्शियस डिसीजन है, ये ऑफर्स आए इस तरह की मुख्तलिफ रही हैं, दैट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू पिक योर कैरेक्टर्स? सर अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी स्कार्सिटी है डिफरेंट नैरेटिव्स की, जिस तरह के नैरेटिव्स कह लें, एटलीस्ट आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ, जो मुझ जैसे आदमी को वो करें, मेरा इंटरेस्ट स्पीक करें, तो उसकी बड़ी स्कार्सिटी है। उसका मैंने एहसास मुझे यूँ हुआ कि पोस्ट फेरी टेल व्हेन आई वाज ऑफर्ड सेवरल स्क्रिप्ट्स, उसमें 99% ऑफ देम वर द सेम स्टोरी लाइंस, वही नैरेटिव्स, वही चीज़। तो मैं बड़ा वो एक फिर एक नई कश्मकश आ गई कि यार ये तो कोई कहानी नहीं मिल रही इस तरह की करने वाली, अब क्या किया जाए। तो आई हैड टू, आप अब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो आई हैव लर्नड टू से नो टू नैरेटिव्स दैट आई डोंट अग्री विद नेसेसरली। पहले मैं बीच में काफ़ी जगहों पर आई हैव बेंट, बट अब कह लें ये ग्रोथ मिली या एक ये लेवरेज मेरी थैंक्स टू द ऑडियंस कि ना कर सक रहे थे, ना कर पा रहा था कुछ ऐसे नैरेटिव्स को जिनसे मैं नेसेसरली अग्री नहीं करता या जो जिनका मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो फिर आगे अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि ये चीज़ें दे फेल इनटू माय लैप वन वे और अनदर। ये बिल्कुल भी मेरे लिए प्लान्ड नहीं था, तो शायद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और जो मैंने सीखा हुआ है कि आप अपनी नीयत अच्छी रखें, God makes things work for you. कोई सर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, no one can do anything for you. वो ऊपर बैठा हुआ है प्लान करने वाला, उसी ने प्लानिंग करनी है। तो जो भी खैर हुआ, I enjoyed it. If that was the question, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा enjoy किया अपने काम को। मैंने regardless of the outcome, regardless of the result, मैं I was my entire कहने goal through this शॉर्ट टाइम पीरियड जो आपसे मिलने के बाद से अभी तक का है, वो यही था कि यार मैंने अपना काम एंजॉय करना है। तो बंस रोड अलाउड मी टू डू दैट। मैं मेरी बड़ी एक वो है कह लें, आई एम हंग्री फॉर सच कैरेक्टर्स और वो नहीं मिलते, तो स्टीरियोटाइप भी कर दिया जाता है कुछ बड़े सटल कैरेक्टर्स में, सोबर कैरेक्टर्स में। आई एम प्लेइंग वन सच कैरेक्टर अगेन, बट इसकी अपनी एक बड़ी डेप्थ सी। प्लस अभी मैंने जिस तरह ऊपर भी बैठा, मैं कह रहा था पैनल के साथ भी, कि सम थिंग्स आर बिगर देन द कैरेक्टर। तो यहाँ पे कहानी थी जो मैटर करती थी। तो बंस रोड में आई गॉट टू एंजॉय अ
a very interesting story, a very कह लें commercial story. But hero माफिक लगता है, hero माफिक दिखता है. सर मुझे नहीं पता था ये चीजें अंदर होनी है और मुझे लगता है कि प्लान भी बाद में हुई है. मैंने बस जब अगेन मैं इस तरह की पोजिशन में नहीं था कि मैं मुझे ऐसी ऑफर आए तो मैं उसको भी ना कर दूँ. तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे मैंने वो थोड़ा सा दे दिया एक बेनिफिट ऑफ द डाउट. एक सॉरी आई टुक अ लीप ऑफ फेथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कि यार अगर इतनी अच्छी टीम है, इतनी एक स्टार कास्ट है और ये वो है तो कुछ अच्छा ही बन रहा होगा. बट कमिंग टू जर्द पत्तों का बन, अभी ये जो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी की कि और अभी भी जो आप कह रहे हैं कि सम कैरेक्टर्स आर बिगर देन यू नो सम स्टोरीज आर बिगर देन द कैरेक्टर्स. जैसे आपने कहा कि द स्क्रीन टाइम ऑल्सो डजंट रियली मैटर टू यू इन सच इंस्टेंसेस. यू यू'd रादर बी अ पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर और अ स्टोरी जो कम ड्यूरेशन का हो लेकिन स्टोरी इम्पैक्टफुल हो, रादर देन के 400 सीन्स हो लेकिन स्टोरी उतनी इम्पैक्टफुल ना हो. बिल्कुल. तो जर्द पत्तों का बन में कुछ, क्योंकि अभी तो हमने तो दो किस्तें देखी हैं, आपके किरदार का स्टोरी में किस हद तक नैरेटिव में उसमें इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट है नंबर वन, क्योंकि वो स्क्रीन टाइम वाली बात करके आपने खुद ही ज़हन में एक डाल दिया. I would want you to clarify that. I will clarify that. उनका चूंकि सवाल ये था रोशानी जी का कि जब स्क्रिप्ट ऑफर होते हैं तो पहला सवाल होता है स्क्रीन टाइम क्या है. तो मेरा कहने का मकसद ये था कि मेरा ये बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था कि मेरा इसमें स्क्रीन टाइम है नहीं है, ड्यू टू सर्टन रीजंस दैट आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज. बट एक ये कह लें एनी पर्सन इन माय प्लेस जिसको भी ये कैरेक्टर ऑफर होता ना तो उसके जहन में सर्टेन क्वेश्चंस वुड हैव अराइज्ड कि अच्छा ये सीन ये वो. तो आई थिंक वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन. मैंने सर अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा यार ये एक जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने कहा यार दिस इज समथिंग दैट आई प्रॉबली माइट अनफॉर्चुनेटली माइट नॉट गेट दिस मैनी अपॉर्चुनिटीज टू डू सच अ थिंग जहाँ पे सोसाइटी में इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट से बढ़कर कुछ किया जा रहा है. ऑफ कोर्स आई वांट टू एंटरटेन, दैट्स माय जिंदगी का पर्पस. बट ये एक ऐसी चीज थी कि अगर आपका प्लेटफॉर्म आपको अलाउ कर रहा है तो 100% आई बिलीव यू शुड बी पार्ट ऑफ इट. दैट्स आल्सो द साइन एंड अ मार्क ऑफ अ सिक्योर एक्टर एंड अ सिक्योर स्टार. Even at this early stage, it's a relatively earlier stage. Of course. And so, for you to take that leap of faith, I'm fine with the. अब हुआ ये कि I'll disclose something to you. Okay. I hope no one kills me for this. हुआ ये that I met with Sefi sir, I got the one liner. I said sir, I'm in. और मुझे Sefi sir ने ये थोड़ा सा बता दिया था कि ये कहानी is more inclined towards the लड़की. मैंने कहा sir, doesn't matter. Bismillah करें, कोई बात नहीं. I'm more than honored to be a part of this. तो हुआ ये कि जैसे-जैसे हमने shoot start किया और चीजें हुई तो सैफी सर को आई गेस कश वालों को और मुस्तफ़ा सर को, बिकॉज ये लोग साथ साथ फुटेज मॉनिटर कर रहे होते हैं, इनको वो किरदार शायद वो बनता नज़र आ गया. शायद ये चाह रहे थे या शायद आई डोंट नो देयर इंटरेस्ट पीक्ड इन द कैरेक्टर. तो फिर चूंकि मुकम्मल स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ था बल्कि बहुत इनिशियल स्टेजेस पे था व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, तो फिर आगे के स्क्रिप्ट के जो थे फेजेस उसमें फिर नौफल का किरदार उन्होंने मजीद स्प्रेड कर दिया, विच इज ग्रेट. इस हद तक कर दिया कि वो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह प्लान करता है चीज़ें. तो मैं आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर इन दिस कि जो भी प्लानिंग हो रही होती है ऊपर. नो, आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस बिकॉज इस तरह की इम्पोर्टेंट कहानियाँ अगर अच्छे और काबिल एक्टर्स और स्पेशली यंग एक्टर्स